तो बता दें कि कोरोना संक्रमण के चलते डेंटिस्ट चिकित्सक मरीजों का ठीक से इलाज नहीं कर पा रहे। दरअसल इलाज के दौरान मरीज के मुंह के नजदीक जाकर इलाज किया जाता है और ऐसे में सरकार ने डेंटल क्लिनिक खोलने की अनुमति नहीं दी थी, जिसके चलते दांतों के मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस समस्या को देखते हुए राजधानी जयपुर में आधुनिक हाईटेक डेंटल सेटअप में माइक्रोस्कोप मशीन जर्मनी से लाकर स्थापित की गई। इस मशीन के जरिए डॉक्टर दूरी बनाते हुए भी आसानी से मरीज का इलाज कर सकते हैं। इससे डेंटल मरीजों के इलाज के साथ साथ मेडिकल टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलता है। इस आधुनिक मशीन का लोकार्पण गलता पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशाचार्य महाराज ने मीरा हॉस्पिटल में किया। डेंटिस्ट डॉक्टर अमित पाटोदिया ने बताया कि राजस्थान में ये पहली मशीन है जो मरीज से दूरी बनाते हुए आसानी से इलाज कर सकती है। कोरोना संक्रमण के दौरान मरीज के मुंह के नजदीक जाकर इलाज करने से डॉक्टर और मरीज दोनों को कोरोना का खतरा बना रहता है। ऐसे में ये मशीन इस समस्या से बचा सकती है। अभी हमने कालजाई से जर्मनी से आयातित एक्सटेरो 300 माइक्रोस्कोप आयात किया है और यह राजस्थान का पहला मॉडल है। इस मशीन की खूबी यह है कि यह मरीज के मुंह के बिना पास आए हमें बारीकी से छोटी तकलीफ जो मरीज के दांतों में है वह दिखा देती है। इलाज करने में हमें आसानी होती है। कोरोना में मरीजों को सबसे ज़्यादा डर लगता था कि हम डेंटिस्ट मुँह में काम करते हैं और सांस जो है उस मरीज की वह हम तक पहुंचेगी, हमारी सांस मरीज तक पहुंचेगी, तो ऐसे में उसको कोरोना का डर सताता था। लेकिन जब हम माइक्रोस्कोप से काम करते हैं तो वह दूरी मेंटेन करके रखता है, तो ऐसे में हमें मरीज के मुंह के बिल्कुल पास नहीं जाना पड़ता, हम दूर से ही उसके मुंह में झांक करके काम कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि इस दौर में जहाँ दांतों को लेकर के लोग बहुत सचेत हुए हैं और उसको लंबे समय तक अपने शरीर के रहते हुए वो दांतों जो ओरिजिनल जो मूल दांत हैं वो उसके साथ रहें, इसके लिए वो सचेस्ट हैं, तो उसके लिए जो नई नई जो तकनीकी आ रही हैं उससे इलाज करना डॉक्टरों के लिए भी आसान हो रहा है और उससे मरीजों को भी लाभ मिल रहा है। जैसे कभी बहुत दर्द भरा इसका इलाज होता था जिसके कारण लोग उससे दूर भागते थे, अब ये जो नई तकनीकियाँ जो आ रही हैं उससे भी लोगों को लाभ मिल रहा है और उससे वो लाभान्वित होना भी चाह रहे हैं।